असम के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री डॉक्टर अनोज पेगू ने धेमाजी जिले में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया। सबसे पहले शिक्षा मंत्री श्री पेगू धेमाजी जिला उपायुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित पर्यवेक्षक बैठक कर कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा किए, जिसके बाद उन्होंने धेमाजी सदर अस्पताल, सिलापथा आदर्श चिकित्सालय तथा जोनाई के नेपाली बस्ती स्थित 30 बिस्तर युक्त सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। जोनाई में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पेगू ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कोविड नियंत्रण करात आमार सरकार दायित्व आसे, लोक हेल्थ विभाग जनेके दायित्व आसे, प्रशासन जनेके दायित्व आसे, ठीक तेनेके राइज बा सिविल सोसाइटी रो एटा दायित्व आसे। तो राइजक सिविल सोसाइटीक ए विधि विधान खिनि मानि चलि पेले ए कोविडर द्वितीय ढौटुक नियंत्रण आनिब अनात सहयोगिता करिबर कारणे मय आह्वान जनाम। आजि मय लखिमपुर आरु धेमाजी जिला पर्यालोचना करिछु परिस्थितितु। आमार जितु पजिटिभिटिर हार हेतु प्राय 6% इतिमध्ये स्पर्श करू करू होइसे धेमाजीत। जुनाई सब डिविजनटोत परिस्थितितु किछु उन्नत, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ধেমাজি জিলাখনত আমার 5.8% পজিটিভিটি হয়েছে আর এটু উদ্বেগজনক কথা। সেকারণে আমি সকলকে আহ্বান জানাইছো যাতে আমার যেখানে কোভিড নিয়ন্ত্রণের যেখানে বিধি বিধান আছে এই সকলখিনি যাতে সকলে।